हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आज या सभी कुछ वो था जो था ही नहीं, ना रही पार्टी, सदारत भी रास्ता और कोई था ही नहीं। जाने कहां गए वो दिन जब थी हुकूमत केसेस के बिन, ढोल माइया हले भी ना टूटा के स्कूल माइया। क्या करे आदमी, तशरीफ ला रहे वासे चौधरी। एलए से लेकर सिडनी तक जो भी हमारे देखने वाले हैं, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपकी तरह थोड़ी हम खजल होते रहते हैं। ये माशाल्लाह प्यारे हैं, आज तो सेंधे से सिपाही लग रहे हैं। ये अच्छे तो लग रहे हैं यार, साढ़े दिल न पूछो। यार बिल्कुल अक्षय कुमार की डमी लग रहे हैं सर। वो क्या बात है। अच्छा, ये क्या लग रहा है इस हिसाब से? नहीं नहीं, वो तो हीरो है सर। अच्छा तो अरे जो आप डमी है सर, आप दोनों हीरो हैं। अच्छा, जो आज के हीरो हैं आप पुराने दौर के हीरो हैं। क्यों उनकी भी अभी फिल्म आई है यार? पहले बनी थी ना, आई हूं। मेरे पास एक मोम्मा है, मैंने कहा झुकते तो आप करते ही रहते हैं, आप जरा समझदार लोग भी नहीं है, तो मैंने कहा आपसे पूछता हूँ। हाँ जी, आप समझदार, इशारा उधर क्यों कर रहे थे? नहीं नहीं आप सुनिए, क्या उनका ऐसा नहीं कहता यार। ये जो मॉडर्न माए होती हैं और जो देसी माए होती हैं, इनमें जरा तफरीक तो करें। जो मॉडर्न माँ होती कि बच्चा ना आके आवे तो वेख के कहती ओ अरसलान लुकिंग सो कूल, वाय वाय नाइस लुकिंग सो कूल सन। तो देसी माँ अगर मुंडा ना आके आवे हफ्ते बाद नहाता को बंदे का पुत्र लग रहा है। मॉडर्न मां का बच्चा बाहरों आके घर खांसी करे, वो कहती हूँ मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसी चीजें बाहर से ना खाया करो, खांसी आती है। तो जड़ी देसी मां होंगी वह बच्चा घर आके खंगे ना, तेन क्या थी ना बाहर खोते वगू ना चरिया कर। बच्चा ना जी आज का, वो कहते हैं मामा मैंने कॉलेज नहीं जाना। वो कहे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पापा इतनी मेहनत करते हैं, कितनी मुश्किल से फीस देते हैं। प्लीज गो बेटे गो। देसी मां वह पुत्र कहो ना अम्मा मैं नहीं कॉलेज जाना। अगो फोर मैं क्या सी उन्हें चिंची पा के दो। अच्छा जी मॉडर्न मां जी परेशान हो जाती, मामा मेरे स्कूल नहीं जाना। मॉडर्न मां, बेटा क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? अब बुखार तो नहीं है ना बेटा, क्या हुआ? चलो छुट्टी कर लो। तो देसी मां नूं अम्मी मैं स्कूल नहीं जाना। क्यों अज तेरे प्यो का वलीमा? बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। एक एनिमेटेड फिल्म रिलीज हो रही है 23 मार्च को टिकटॉक, और उसके लिए जिन अदाकारों ने अपनी आवाज के जादू जगाए हैं एनिमेटेड कैरेक्टर्स के लिए, उनमें सबसे पहले तशरीफ लाते हैं आप सबके बहुत ही हर दिल अजीज अदाकार जनाब अहसन खान। दूसरी मेहमान जो हमारी हैं, उन्होंने भी इस फिल्म के अंदर अपनी आवाज का जादू जगाया है। अमूमन एक्टर्स को कास्ट किया जाता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए, लेकिन यहां पे जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक तब्दीली दी और इन्होंने एक बड़ी ही मशहूर आवाज जर्नलिज्म से ली है। ये ख्याल प्रोड्यूसर को कैसे आया और इन खातून को कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये उनसे ही जानेंगे आप सबकी तालियों में। मोहतरमा मारिया मेमन। सब एनिमेटेड आवाजों को इकट्ठा करने वाली इस फिल्म की प्रोड्यूसर मोहतरमा सना तौसीफ। आज की सेलिब्रिटीज ऐसी हैं कि जिन्होंने बहुत ही अनोखा काम किया है, वरना बच्चों के लिए तो कोई काम ही सोचता है। बिल्कुल, मैं इनके लिए एक स्पेशल शेर लाया हूं सर। अरे क्या बात, यू डोंट माइंड, आप भी इस वक्त मुझे कार्टून ही लग रहे हैं। आई एम सॉरी। शहरे आवाज के लोग आ गए हैं जोक बजोक। अरे वाह, शहरे आवाज के लोग आ गए हैं जोक बजोक, जिनकी आवाज दिखाई भी हमें देती है। भाई वाह वाह वाह, जिनकी आवाज दिखाई भी हमें देती है। सर्वसर लोग हैं ये जादूगर, सर्वसर लोग हैं ये जादूगर, आ गए हैं ये सजाने कार्टून नगर। आज तो बहुत हैवी शेर था यार, कमाल है।
बड़ी गल है, भी स्पेशल है सर अहसन भाई, माशाल्लाह पिछले 20-22 साल से काम भी कर रहे हैं और 20-22 साल के ही लगते हैं। आखिर साहब मैंने बचपन में काम शुरू किया था आपको शायद, लेकिन तुम जिनी बार मजाक रच आ गए मैं लगता है इतने किराए से रहते जगह देते। लेकिन मेरा शेर आज किसी के लिए नहीं है। किसके लिए फिर? वासे भाई के लिए। नहीं यार, मोहब्बत भरा शेर। फूल गिर जाते हैं जब तुम आते हो। यार देखे ना कितनी अच्छी बात की आपने। फूल गिर जाते हैं जब तुम आते हो। आते हो अंधे हो क्या, गमले से क्यों टकराते हो? तो भाई एकदम बढ़िया। ऐसा आपको तो बखूबी अंदाजा है, आपको मारिया अंदाजा है कि इस प्रोग्राम में क्या होता है। बिल्कुल, मैं बड़ी रेगुलर व्यूअर हूँ और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इस प्रोग्राम को। इतने ना ब्रेकिंग न्यूज़ दे देना। नहीं नहीं बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा मुझे नर्वस भी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट नो, मतलब ये जो प्रॉम्प्ट इनका यू नो जुमलेबाजी है और ये सब कुछ। आपकी रिस्पेक्ट करते हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। लेकिन जड़े होंगे ना न्यूज कास्टर वगैरह सर, छोटी छोटी खबर में बड़ा पेश कर देते हैं। कितने भी कोई छोटी जी गल होने तो ब्रेक न्यूज। खवातीन हज़रात, ब्रेकिंग न्यूज, लाहौर के नवाई गांव में एक मुर्गी ने अंडा दे दिया है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि लाहौर के नुमाई गांव में एक मुर्गी ने अंडा दे दिया और मैं ये पूछना चाहती हूं लोगों से कि अंडा कैसा है। तुम्हारे नुमाइंदे अकरम बोंगा, बताइए अकरम बोंगा साहब, अंडा मुर्गी ने दिया कि नहीं दिया? अकरम बोंगा, हां जी मैंने देखा मुर्गी ने अंडा दिया है और इतना बड़ा अंडा है कि पूरा इलाका उसका आमलेट खा सकता है। अच्छा ये बताएं कि आपने वो अंडा अकरम बोंगा साहब देखा? जी नहीं भैया, मैं ये बताना चाहता हूं बहुत ज्यादा रश है। तो ये बताएं कि आपके मुर्गी के लवाकिन से आपकी बात हुई? लवाकिन उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मुर्गी भी ठीक है अंडा भी ठीक है, लेकिन इलाके में बहुत रश था, एसएचओ ने लाठी चार्ज करके रश को कंट्रोल किया है। इन चक्रों में मुर्गी के चाचा सील कुकड़ को बहुत चोट लगी। तो ये बताएं कि आपने ये मिस कर दिया कि सब सिक्योरिटी का इंतजाम है यहाँ और साथ ही मजम्मत भी की जाती है। अगली सर, अगली बड़ी डेंजरस। अकरम ये बताएं कि मुर्गी को और अंडे को देखने कौन कौन आया? अजी इसको खाद में आला देखने आए हैं और खाद में आला ने मुर्गी को अंडा देने पर मुबारकबाद दी और 10 लाख का चेक भी दिया। 10 लाख का चेक, कमाल है। और सख्त नोटिस ले लिया क्योंकि खाद में आला हर चीज का नोटिस बहुत जल्दी ले लेते हैं, तो उन्होंने नोटिस लिया। और तो अंडा नहीं लगे, ओके कमेटी भी बना दी कि अंडा एक ही क्यों था, तहकीकाती कमेटी। और हस्ब तौफीक उसके जो सरबरा होंगे वो राणा सनाउल्ला ही होंगे, क्योंकि पंजाब में हर कमेटी के सरबरा राणा सनाउल्ला निकलते हैं। तो वैसे ये बताइए कि कहां न्यूज जर्नलिज्म सारा का सारा और कहां ये बच्चों की एनिमेटेड फिल्म के अंदर आवाज? सबसे बड़ी इसकी बात ये है कि ये कंटेंट बच्चों के लिए है, क्योंकि हम सबके घर में यू नो हमारे बहन भाइयों के बच्चे होते हैं, हर घर में जो है छोटे बच्चों के साथ टेलीविजन देखना बड़ा मुश्किल काम है। जब फिल्म में भी कभी जाना हो तो समझ नहीं आती कि बच्चों को कैसे एंटरटेन किया जाए। बच्चों के लिए इस मुल्क में जब भी कुछ लिखा जाना चाहिए हम सबको उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। यूजली मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो खबरें या करंट अफेयर्स इससे एसोसिएटेड हूँ, मैंने कभी भी मुझे ना शौक था ना कभी मुझे मेरा रुझान था एक्टिंग की तरफ, लेकिन ये ऐसी एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको ना नहीं कहा जा सकता। और जो मेरे बच्चे जो घर में है वो सारे शायद खबरें ना देखते हो, लेकिन ये जब देखने जाएंगे तो वो थोड़ा सा प्राउड होंगे कि मैंने भी शायद कुछ काम कर लिया उनके लिए, इज्जत बढ़ जाए घर में। लेकिन बड़ा अच्छा लगेगा कि माशाल्लाह आपकी आवाज सुनेंगे, अहसन भाई की सुनेंगे, लेकिन आपसे मैं नाराज हूं। क्यों जी? आपने टॉम एंड जेरी को लिया ही। जी आप बताए आपको ख्याल कैसे आया था? एसन तो चले मुझे समझ में आती है कि एक एक्टर हैं और आपने उनको यूटिलाइज किया, बट हाउ कम यू थॉट ऑफ मारिया? जो कैरेक्टर है वैसे मारिया का, दानिया का कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है, वो कैरेक्टर एक बड़ी स्ट्रांग लड़की का है, स्ट्रांग है, आउटस्पोकन है और बड़ी कॉन्फिडेंट, जैसे आजकल की हमारी बच्चियां हैं, तो वो सारी क्वालिटीज जो आप दानिया में देखेंगे वो सब आपको मारिया में नजर आएंगी। और फिर इनकी आवाज की थ्रो माशाल्लाह द वे शी स्पीक्स, तो शी वाज परफेक्ट फॉर दानिया। मगर मुझे ये कार्टून समझती नहीं, ये बताइए कि नहीं हम आवाज की और कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो समझती नहीं है, फिल्म के बाद लगेंगी। इतनी कन्विंसिंगली क्या उन्होंने की होगी डब के, आपको लगता है कि वो लगेंगी? सर मैंने वो ट्रेलर देखा ना, बिल्कुल आउट क्लास आवाज है। अच्छा अहसन भाई, आप जो पिछले 2-1 साल से एक बहुत मंसूब किए जाते हैं बड़े हार्ड कॉन्टेंट से, सीरियस ड्रामा, मैसेज ओरिएंटेड एंड एवरीथिंग, वहां से एकदम आपको जो बच्चों के स्केल पे लाया गया, तो ये क्या एक अच्छी चेंज थी आपके पर्सनली? वैसे सीरियस ड्रामा नहीं, बस वो हमेशा बात ये होती है कि हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं,
लेकिन वो अगर एजुकेशनल साथ हो जाए तो उसमें बड़ा मजा रहता है. हम लोग भी खुद कुछ सीखते हैं और लोग भी सीखते रहते हैं, क्योंकि आई फील दैट सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है. इस फिल्म का स्क्रिप्ट जब मेरे पास आया, उमैर अलवी आप सब लोग जानते होंगे, हमारे बड़े एक मेजर दोस्त भी हैं इस फील्ड के और बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उनके स्क्रिप्ट में सबसे मजे की बात ये थी कि इट वॉज ऑल अबाउट पाकिस्तान हिस्ट्री. क्योंकि ये टिकटॉक के नाम जैसे आपको क्लॉक और घड़ी का नाम आएगा, ये टाइम ट्रैवलिंग के दो जो बच्चे हैं वो टाइम ट्रैवल कर जाते हैं, टीनएजर्स जो हैं, और वो ऐसी जगहों में पहुंचते हैं जहां पे आपको एजुकेशनल बच्चों को साथ साथ वाकयात भी पता चलते हैं. और आप जो लोग हिस्ट्री नहीं जिन्होंने पढ़ी हुई, बल्कि मुझे बहुत कुछ सीखने को इसमें मिला. सो आई थॉट कि दिस इज वन कॉन्टेंट दैट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिनेमा ऑल्सो एंड जनरली भी. लाइक मैंने वो बोरियत बस्टर एक शो किया, आपने शायद देखा होगा, बच्चों का था, उसका पार्ट सेकेंड पार्ट भी कर रहा हूं, उसमें भी बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट. आई ऑलवेज फील कि हम हमारे पाकिस्तान में बच्चे जो हैं वो इतने डिप्राइव्ड हैं बच्चों के कंटेंट से. आई फील दैट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन फॉर एजुकेशन. तो मुझे लगता है इस तरह की एक आधी चीज नहीं, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए. लेकिन अहसन भाई माशाल्लाह आप मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आप अपने रोल चेंज कर रहे हैं, फिल्में चेंज कर रहे हैं, साड़ी दुआ उनके तो बूट भी चेंज कर लो ना. मतलब कुछ नहीं मिला तो आप बूटों को उनके हो गए. अच्छा, नहीं आप सही कह रहे हैं, वो सफेद बूट पिछली बार भी पहन के सफेद. बिल्कुल आपने सही पहचाना, एक तो सफेद बूटों का फैशन बहुत ज्यादा है. मैंने लगता थोड़े को एक ही आजकल आजकल के महंगाई के दौर में एक बूट भी लोगों के पास बच जाए बड़ी. पैसे भी फिल्म दे मंगे जी मैं दिल के डॉक्टर जे. गुलाब खाब दवा जहर जाम क्या क्या है, तेरे डिनर के लिए एहतमाम क्या क्या है, स्वीट डॉल पर इंसिल्स का बाबा की रानी, बता के तेरा फेसबुक पे नाम क्या क्या है, ये लूट मार करप्शन के चोर बाजारी, डीजे देख यहाँ पे लगाम क्या क्या है, क्या क्या है. हाँ फिल्म प्रमोट करने आए हैं, वो फिल्म की प्रोड्यूसर है सना. हाई जो मोन्टे नहीं किया बेबी. ठीक है.